हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू पांडे, योर कुक्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे भिंडी पकौड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है भिंडी और भिंडी को हमने अच्छी तरह से धो लिया है 3-4 पानी में। अब हम इन्हें ऊपरी सिरे से और नीचे सिरे से दोनों तरफ से कट कर लेंगे और बीच से अलग कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं भिंडी पकौड़ा बनाने। यहाँ पर हमने सारी भिंडियों को कट कर लिया है और हमने 250 ग्राम भिंडी लिया है। और अब चलते हैं हम मसाले तैयार कर लें। भिंडी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी के हिसाब से बेसन। अब मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, नमक आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला इन्हें मिला लेंगे सारे मसालों को। और अब हम इसमें डालेंगे भिंडी और हल्का पानी डालकर इन्हें बेसन में लपेट देंगे भिंडी को। आप हाथ से भी लपेट सकते हैं, चम्मच से भी लपेट सकते हैं। बेसन को भिंडी में अच्छे से लपेटने के बाद हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने। अब चलते हैं गैस की तरफ। बेसन को हमने अच्छे से भिंडी में लपेट दिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो तेल रखा है हमने गरम करने के लिए। तेल गरम है हमारा, अब हम पकौड़े तलेंगे एक एक करके। इसी तरह से सारी भिंडी को तलेंगे। बहुत ही आसान है सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत अच्छा है। और जो लोग सब्जी पसंद नहीं करते हैं उनके उन्हें भिंडी के पकौड़े खिलाइए, ज़रूर खा लेंगे। हमारे भिंडी पक चुके हैं, अगर इन्हें निकाल लेते हैं। बाकियों को भी इसी तरह से तल लेंगे हम। हमारे भिंडी पकौड़े तैयार हैं और क्रिस्पी भी बने हुए हैं।
और आप भी अपने घर में बनाइए, ब्रेकफास्ट में बनाइए, शाम की चाय के साथ बनाइए। सच में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट लगते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।